भाषा के आगे गुलामों की तारीफ मत करो। ये मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अजमेर शरीफ से लेकर के बहुत ज्यादा वीडियो और मैसेजेस वायरल है, और क्या बोलते हैं, नाथ नहीं पढ़ने दे रहे नाथ शरीफ को, और दूसरा है कि उनको मेहमानों को मार रहे हैं जी, क्या मामला, क्या इसकी सच्चाई क्या है? तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हो ये वीडियो मारने वाला जो वायरल हो रहा है, इसी वीडियो की पूरी हकीकत जानकारी करने में लेकर के आया हूँ। तो मैं पूरा वीडियो नहीं दिखा रहा, पर पूरी जानकारी करके जरूर आपको दिखाऊंगा। तो ये जो मारम पीटी की वीडियो बहुत ज्यादा वायरल है, ये मामला असल में हुआ क्या है? असल में हमारे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर खान यूट्यूबर। तो फाइनली आज का ब्लॉग मेरा ये कि जैसे कि आपको पता है अभी अजमेर शरीफ दरगाह से बहुत ज्यादा एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि जारीन ख्वाजा को यहाँ के जो खुदा मजरात है या फिर और भी लोग हैं यहाँ पे आपस में झगड़ा हो गया, मारा जा रहा है। तो इसकी क्या सच्चाई है, इसकी क्या हकीकत है? तो चलते हैं दरबार शरीफ में, आपको पूरी जानकारी करके आपको बताते हैं। यहाँ के जो अंजुमन कमेटी सेक्रेटरी साहब हैं उनसे जानकारी करके आपको पूरी बताएंगे, और जो खादी मजरात और कुछ जो मेहमान मिलेंगे उनसे पूरी जानकारी करके आपको बताएंगे। तो गाइस फाइनली मैं दरगाह बाजार पहुँच चुका हूँ, देख सकते हो दरगाह बाजार का माहौल है। अभी दरगाह मेन गेट के पास चलते हैं और आपको पूरी जानकारी करके आपको बताते हैं। खैरियत, कहाँ से कहाँ से हो? मुंबई। बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो को शेयर करिएगा। मुंबई मुमरा से। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए दरगाह मेन गेट पे मैं पहुँच चुका हूँ और आज काफ़ी शानदार माहौल है यहाँ पर। काफ़ी दूर दूर से जारीन ख्वाजा आए हुए देख सकते हो। सुभान अल्लाह, चलते दरबार के पास में आपको पूरा जानकारी देते और आपको बताते हैं। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अंजुमन कमेटी में, जहां पे हमें मिल चुके हैं सैयद सरवर चिश्ती साहब, जो कि अंजुमन कमेटी के सेक्रेटरी साहब हैं। तो आज हम इनसे ही जानकारी लेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अजमेर शरीफ से लेकर के बहुत ज्यादा वीडियो और मैसेजेस वायरल है, और बहुत बुरी बुरी कमेंट्स हो रही हैं, और मेरे को भी मैसेज आया है कि अजमेर शरीफ के खादी मजरात एक तो दरबार शरीफ में नात नहीं पढ़ने दे रहे नाथ शरीफ को, और दूसरा है कि उनको मेहमानों को मार रहे हैं जी, क्या मामला, क्या इसकी सच्चाई क्या है? अस्सलाम वालेकुम ज़ारीन ख्वाजा, अकीदतमंदान ख्वाजा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हर जगह का एक कायदा कानून होता है, बारगाह हुजूर करीमान रहमतुल्लाह अलैह का भी एक कायदा कानून है, और भारत सरकार की जो बनाई हुई बॉडी है दरगाह कमेटी ने भी, और हमारी अंजुमन सिज़ादान खुदाम ख्वाजा ने भी बोर्ड लगा रखे हैं दरगाह शरीफ में जगह जगह कि यहाँ कदीमी सलामी पढ़ा जाएगा, या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका, इससे हटके कोई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मुख्तलिफ मसालिक के लोग आते हैं, मुख्तलिफ मजहब के लोग आते हैं, मुख्तलिफ मजहब मिलत के लोग आते हैं, हर धर्म संप्रदाय के लोग आते हैं, तो फिर सब कोई अपनी अपनी चीज़ें पढ़ने लगेगा, तो इसलिए बोर्ड लगाएं। और ये लोग आते हैं बरेल भी, पिछले गुज़िश्ता कुछ सालों से ये अपने पीरों के नारे लगाते हैं, नायबुल नबी अताए रसूल हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के सामने इनकी क्या औकात, ये गुलाम हैं इस दर के, गुलामों के लिए गुलाम है क्या? गुलामों के नारे आका के सामने लगाए जाते हैं जगह जगह बोर्ड लगे में कि कदीमी सलाम पढ़ें और इस किस्म के नारे ना लगाएं, फिर ये नारे लगाते हैं, और ये तमाम तरह की खुराफातें करते हैं। जबकि हमने उर्स के पहले जिला प्रशासन को पुलिस को लेटर भी लिख दिया था कि गुज़िश्ता कुछ सालों से ही कर रहे हैं, लेकिन इनको हुजूर गरीब नवाज की ज़ात से कोई अकीदत मोहब्बत नहीं है, ये दुश्मन गरीब नवाज और दुश्मन अहले बैत हैं बरेलवी। गुज़िश्ता कई सालों से आके आपने देखा होगा, दो साल पहले शबे बारात को भी आकर इन्होंने हंगामा किया, 31 दिसंबर को उर्स हो, ये इस तरह की नारेबाजियाँ करते हैं, यहाँ पे सुकून चाहते हैं, यहाँ लोग फ्यूज़ और बरकत हासिल करने आते हैं, या अपने लोग मारूजात लेकर आते हैं, अपनी परेशानियाँ लेकर आते हैं, अल्लाह ताला इनके वसीले से परेशानियाँ दूर फरमाता है, और ये नारेबाजियाँ करते हैं। ये इन्होंने बेहुदा नारे लगाए, इन्होंने वो नारे लगाए कि हुजूर गरीब नवाज के जद्दे आला हज़रत अली से जिसने दुश्मनागियाँ की उसके नारे लगाए, माविया के नारे लगाए, ये सदका माविया मांगा, तो सदका माविया भाई उसकी औलाद यजीद के वहाँ जाके मांगो,
यहाँ पे तो रसूल, ये आले रसूल हैं, रसूल और अली की औलाद है, नायब नबी अताए रसूल हैं, आले नबी औलाद अली है, तो ये तो सदका यहाँ पे मांगना, तो रसूल और अली का मानो, मोहम्मद और अली का मानो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानो, और अगर माविया का मानना है तो उसके बेटे यजीद के वहां पे जाके जी लाश में। यहाँ पे मैंने देखा था कि आपके पास तौकीर रजा खान साहब भी आए थे जो बरेली शरीफ से काफ़ी कद्दावर नेता भी हैं, तो मैंने आपके साथ फोटोज उनकी देखी है, काफ़ी वीडियोस भी वायरल है, तो क्या मामला, आप दोनों ने बैठ करके क्या मामला, क्या बात करी थी? तो बहुत अच्छी तरीके से तय किया था, लेकिन उन बेचारों को फतवे लगा दिए, उनको जनी क्या क्या कह दिया, हमको राफजी बताते हैं, ये हर एक के बारे में प्रोपेगेंडा करते हैं, किसी को सुले कुल्ली कहते हैं, किसी को गुमराह कहते हैं, किसी को काफिर कहते हैं, किसी को राफजी कहते हैं, तो इनका तो मामला अजीब और गरीब है, ये अपने अलावा ना तो किसी को मुसलमान मानते हैं ना किसी को सुन्नी मानते हैं। तो ये जो मारम पीटी की वीडियो बहुत ज्यादा वायरल है, ये मामला असल में हुआ क्या है? असल में हमारे एक मेंबर अब्दुल हक साहब ये नारे लग रहे थे शाहजानी मस्जिद में, उनके पास गए चुप करने, तो ये इन पे टूट पड़े, तो हमारे खुद्दाम आजाद इनको बचाने गए, उसी के दौरान फिर ये जो कुछ हुआ वो सबके सामने। कितने लोग घायल है दोनों तरफ से? कोई भी घायल नहीं है, उधर से कोई हो तो पता नहीं, कोई घायल नहीं है। तो मतलब यही है, अजमेर शरीफ से मैसेज के दरबार में आओ तो इज्जत और एहतराम के साथ आओ, दरबार में ज़ियारत करें, बाकी किसी तरीके खुराफात या लड़ाई झगड़े वाले नारे ना लगाए और ना ऐसे लड़ाई झगड़े करें दरबार खाजा में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे अजमेर शरीफ के खादिम साहब हैं और यहाँ पे ज़ारीन ख्वाजा हैदराबाद से आए हैं। जी क्या मैसेज है अजमेर शरीफ से जो ये हुआ सब कुछ मामला? हम तो इतना ही कहना चाहेंगे कि जब नदियाँ चलती हैं तो उनके अपने अपने नाम और पहचान होती है, जब वो दरिया में आके समा जाती हैं तो दरिया कहलाती है, बारगाह गरीब नवाज में चाहे जिस भी सिलसिले से लोग आए, जब वो इस बारगाह में आ जाते हैं तो वो इस बारगाह के ज़ायरीन और मेहमान कहलाते हैं, और उनको किसी भी तरह से मसला की नारे नहीं लगाने चाहिए, बल्कि जिनके उर्स में आए हैं उन्हीं के नाम पाक के नारे लगाने चाहिए, और उनके जद अमजद हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जद मौला अली मुश्किल कुशा के नाम के नारे लगाने चाहिए। अपनी पहचानें बनाने के लिए लोग यहाँ आके अलग अलग किस्म के नारे लगाते हैं जिससे कई तरह के विवाद खड़े होते हैं, तो हम चाहते हैं कि यहाँ से यही पैगाम है कि बारगाह गरीब नवाज से मोहब्बत का पैगाम जाता है, मोहब्बत का पैगाम जाए, और जो हमने यहाँ की वीडियो देखी उसमें भी जो है उन लोगों को मना किया गया था, उन लोगों ने पहले मारपीट शुरू करी, उसके जवाबन में ही लोगों ने उनके ऊपर हाथ उठाया है, वरना ज़ायरीन ख्वाजा के ऊपर कौन हाथ उठाएगा, बस वो उसमें आए हुए ज़ायरीन जो गरीब नवाज के उसमें शरीक हुए, लेकिन उन्होंने ही बदतमीजी शुरू करी और झगड़ा शुरू किया। हम यही चाहते हैं कि ये बात को ख़त्म करना चाहिए और अदब और एहतराम से बारगाह गरीब नवाज में हाज़िरी देनी चाहिए, जो बल्कि हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक अच्छा पैगाम और मैसेज जाए। हुज़ूर गरीब नवाज जो है यहाँ पर हमारे सरकार का ही सब सिलसिला है और हर सिलसिले की शाख सरकार की बारगाह से ही गई है, तो सबको अदब करना चाहिए। बल्कि एक पैगाम और देना चाहूँगा मैं, मसला के आला हजरत का जो नारा लगाते हैं लोग, खुद अहमद रज़ा खां फाजिर बरेलवी आला हजरत उनका फतवा है कि सुन्नियों में चार मसलक है, फिकाए हनफिया इमाम हनीफा से है, हम्बली शाफई और मलकी, चार फिका है, और आपने फरमाया इन चार फिका के बाद पांचवा फिका अगर कोई बनाता है तो मुरतब और काफिर होगा। आज बड़े अफसोस की बात है कि उनके मुरीद ही उनके नाम से एक मसलक का नारा बुलंद करते हैं जिससे एक फितना फसाद फैलता है, तो उनको अपने पीर के इस बात पर अमल करना चाहिए और ये सब नारे नहीं लगाने चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम है मोहम्मद खालिद हाशमी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, सलाम अलैकुम। आप हैदराबाद से क्या कहना चाहेंगे? आप फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ऐसा माहौल हुआ है अजमेर शरीफ में, जो बरेली के लोग कुछ आके ऐसा करे हैं, जो शहनशाह हिंद का ने जो नारा लगना है वही नारा लगाना है, बरेली का नारा बरेली में लगाइए, उसका कोई वो नहीं है, हमें शहनशाह के जगह है, सो शहनशाह की बहुत बड़ी जगह, छोटी मोटी हस्ती नहीं है ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन। मतलब ये माहौल खराब करने की कोशिश ना करें कोई जारी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दरगाह बाजार में आ रहा था जहाँ पे हमें खादिम साहब भी मिल चुके हैं और यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर भी मिल चुके हैं। जी कहाँ से आए आप? बम्बई से आए। ये बताइए कि यहाँ दरबार में जो आप देख रहे हैं कि झगड़ा हुआ है, जारी ने खाजा को मार रहे हैं, क्या लगा आपको वीडियो देखने के बाद, क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि यहाँ पे आए हैं खाजा जी की नगरी में तो खाजा जी का नाम लेना चाहिए। जी बेअदबी का मकाम नहीं है यहाँ पे, अदब का मकाम है, अदब से काम लेना चाहिए। जी
आए हैं गरीब नवाज में, तो गरीब नवाज का नाम लेना चाहिए ना जी। तो यहाँ पे हमारे साथ में खादिम साहब मौजूद है, सैयद मुजाहिदी साहब, हम इनसे जानकारी लेंगे। जी खादिम साहब, बहुत ज्यादा वीडियो वायरल है कि जारी ने ख्वाजा को खादिम हजरात मार रहे हैं, क्या मामला है ये? भाई सबसे बड़ी बात तो ये है, सरकार इमदाद की बारगाह में तमाम मसलत के लोग आ रहे हैं जी, सरकार की चाहत में आ रहे हैं, वो चाहे बरेलवी हो या कोई भी बारगाह से हो, सब निस्बत रसूल आ रहा है, निस्बत ख्वाजा आ रहा है जी। और मेन चीज ये है कि कोई अपने आने वाले मेहमान को कभी मारता नहीं है जी, क्योंकि वजह ये रहती है जहाँ मेहमान आता है वो खुदा की रहमत आती है जी, और यहाँ रहमत तो क्या बेशुमार रहमत आती है बेशक। यहाँ तो सुबह से शाम तक वही मंजर रहता है कि हर दीवाना इसी चाहत में आ रहा है कि मैं सरकार के इंतजार कर लूँ जी, किसी भी तरीके से धक्के खा रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं मैं ख्वाजा के इंतजार करके जाऊँ। और सबसे मेन चीज ये है, हिंदुस्तान के अंदर में अगर कोई मुसलमान है तो इन्हीं की बदौलत, इनसे पहले भी मुसलमान आए जी, तकलीफ नहीं की जी। आप जब आए तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कॉल पे आए और नायबे रसूल का खिताब लेके आए जी, क्योंकि तो जहाँ आज हम आपको इसी में लगे, आ बाबा दे बाबा जा बाबा, खाजा साहब तो आज भी इस्लाम फैलावा जी, आज भी हर मोमिन के दिलों में छाए हुए, हर हिंदू के दिलों में छाए हुए, हर सिख के दिलों में छाए हुए। यहाँ का पैगाम तो मोहब्बत का पैगाम, मगर हम जहाँ पे भी ये देख रहे हैं, अभी इस दिन ऐसा हादसा हुआ, वहाँ हम गए तो वहाँ ये चीज़ हो रही थी कि मतलब वहाँ पे गलत गलत अल्फाजात कह रहे थे, गलत गलत नारे लगा रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, तो गाली गलौज को कौन आदमी ऐसा है जो बर्दाश्त करेगा? मतलब कुछ बरेली वाले थे जो नारे गलत लगा रहे थे, कुछ मेंबर उनको समझाने गए कि भाई हमारे कुछ मेंबर समझाने गए कि या नबी सलाम अलैकुम यहाँ पढ़ा जाता जो कि उसूलन है, क्योंकि अगर सलाम हुआ है तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह को हुआ है, इसके बाद और ख्वाजा साहब की बारगाह जो है जी, अगर होता तो ख्वाजा साहब के नाम पे आपके भी सलाम होता जी, और कहीं नहीं है, जो कि 900 बरस की बारगाह है हमारे ख्वाजा में, सलात व सलाम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर किसी का नहीं हुआ। मतलब ये है कि सलाम पढ़ने के लिए कोई मनाही नहीं है, उम्मत रसूल है हाँ। और उम्मत रसूल है हाँ। तो नबी सलाम अलैहि, जो कि खुसूसन है हर मोमिन की जबान पे हुआ है, मगर आज ये 100 बरस हुए, ये 70 बरस हुए इनको बरेलवी को। मेन चीज ये है कि हर आदमी बरेलवी में ऐसा नहीं है कि वो कर रहा है, मगर ये कुछ लोग उनके नाम को बदनाम करने के लिए ये हरकतें कर रहा है, और वो भी नायब रसूल के दरबार में, अताए रसूल के दरबार में ये हरकतें कर रहा है कि यहाँ हम लोग फेमस हो जाएंगे जी। तो सबसे मेन चीज़ ये, हमारे घर में तो अगर दुश्मन भी आता है, क्योंकि हम उस रसूल की आल है, क्योंकि जिसके ऊपर कूड़े डाल दिए औरत ने जी, और वो जब बीमार हुई तो आप उसकी ख्याल पूछने बोल जाते जी, तो हुकूम इमदाज में तो चाहत ही बढ़ाइए, मोहब्बत ही बढ़ाइए जी। तो आज भी दुनिया आलम का आदमी मोहब्बत को लेने आ रहा, सुभान अल्लाह, शोहरत इज्जत सब तवाफ कर रही है। तो मतलब ये कहना चाहा, जैसे कि एक वाक्य बतलाना चाह रहा हूँ कि जब वो आला हजरत साहब पहली दफे आए, ट्रेन के अंदर आए, ट्रेन भरी हुई थी जी, तो आपने क्या किया कि ट्रेन में से जो है उतरने की कोशिश की, तो आपने देखा कि यहाँ तो फरिश्ते सर झुकाए बैठे जी, तो उन्होंने कहा नहीं मेरी हस्ती नहीं है कि मैं यहाँ कदम रखूँ, मगर क्या हुआ कि आपने कहा ट्रेन को मोड़ दो जी, ट्रेन को मोड़ दो। तो मतलब ये कहना चाहते हो जानबूझकर के कुछ लोग आते हैं अजमेर शरीफ में और माहौल खराब करते हैं और खादी में खादिम हजरात को गुस्सा दिला देते हैं, जिससे ये हरकतें हो जाती है। वाली तो बात ही है ना भाई, अभी मैं आपको तारीफ करूँगा, आपकी तारीफ करूँगा, ये जितने भी गरीबनाथ की जाने वाले इनको मैं मोहब्बत करूँगा, तो ये मेरे को मोहब्बत का पैगाम मोहब्बत से तो देंगे जी जी जी, ये मेरे को गाली थोड़ी देंगे या कोई पागल थोड़ी है जो ये मेरे को मारेंगे या मैं इन्हें मारूँ जी। भाई सबसे मेन चीज़ है गरीबनाथ के दीवाने दुनिया आलम से आ रहा है, दुनिया की चाहत छोड़ के सब अपने अहलो आयाल को सबको छोड़ के शहनशाह के दरबार में अपनी भीख मांगने आ रहा है, क्योंकि यहाँ दौलत शोहरत इज्जत सब तवाफ कर रही है, जो अपनी झोली जैसी बढ़ा रहा है उसको झोली भरी मिल रही है। तो सबसे मेन चीज़ ये है, मैं तो यही कहूँगा कुछ लोग यहाँ के दरबार के माहौल को बदलने के लिए ये हरकतें करते हैं और वो अच्छा नहीं है, क्योंकि सबसे मेन चीज़ ये है कि कोई भी गुस्ताखी कोई भी गुलाम बर्दाश्त नहीं करेगा, वो चाहे कोई भी हो, मेरा सरकार काटने वाला भी होगा तो मैं उसकी तादीम करूँगा, वो मेहमान ख्वाजा है मेरे लिए, मगर
अगर कोई गुस्ताखे रसगुल या गुस्ताखी खाजा करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नारे का काम वहाँ है जहाँ हम किला फतेह करना, ये चीज है ना। जो नारा अपन लगाते हैं ना, वो इसलिए लगाते हैं कि उन सबका साथ हमारे साथ हो जाए, हमारा पावर बढ़ जाए। अपन नारा इसलिए लगाते हैं कि जब किले फतेह करने जाते हैं तो इन लोगों के बुजुर्गों के नाम लेने से हमें कुत आ जाती है, तो हम वो किला फतेह करते हैं। क्योंकि मौला के दरबार में जब खैबर को खड़ा गया तो नारा रसूल लगाया गया, तो आपके कुत इतनी आई कि आपने खैबर को खड़ा दिया। तो मेन चीज ये है, ये जो नारे लगाते हैं वो नारे इसलिए लगाए जाते हैं कि कहीं किला फतेह करना होता तो वहाँ नारे लगाए, मगर यहाँ तो हमें किला फतेह नहीं करना है, हमें तो भीख मांगनी है। मेरा चांद सुन के सर मैं यही बतला रहा हूँ, अगर वो मुसलमान है, अगर वो मुसलमान है तो हुजूर से नहीं, तो अगर होते हमारे बाप दादा होते तो घंटे बजाते होते। तो मेन चीज है, अला हज़रत साहब ने कोई गलत अल्फाज नहीं कहे, वो भी मोहब्बत करते हैं, क्योंकि भाई शहनशाह की बारगाह में हर तरीके की मखलूक खुदा आ रही है और हम उसको ताजीम कर रहे हैं कि भाई ख्वाजा के दीवाने आ रहा है। मेन चीज हमारा कहना यही है कि अगर अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो ना तो कोई गुलाम बर्दाश्त करेगा और ना ही कोई औलाद बर्दाश्त करेगी, क्योंकि सबसे मेन चीज हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी ये हरकतें हुई और आज भी वो चीज़ें ये लाना चाह रहा। तो मेन चीज़ें हमें किसी से लड़ना नहीं है, हमें किसी से हमें मोहब्बत का पैगाम जो सरकार इमनाज का मिशन था वो हमें कायम रखना, मगर कुछ लोगों ने उस चीज़ को टारगेट करके इन सब चीज़ों को वायरल करने की कोशिश कर रहा है। तो हम नहीं चाहते हैं कि इस तरीके से कोई भी गरीबनाथ का दीवाना हर आदमी अपना घर बार छोड़ के आ रहे, और इसी नहीं आ रहा है कि सरकार की बारगाह में हम जाएं और हमारी झोली भर के लेके आए, क्योंकि गरीबनाथ को ना तो चादर चाहिए, ना फूल चाहिए, ना लंगर चाहिए, ये तो सिर्फ मेरे और आपके लिए एक जरिया बना। सही बात है। एक चीज और बताइए मुझे हजरत, कि मैंने देखा वीडियो के अंदर कि कई खुद्दाम हजरत मतलब कई पब्लिक आपस में लड़ रही है, तो ये मामला क्या हुआ था, कितने लोग घायल है? सरकार इमराज की बारगाह में तो ऐसी बातें जब पब्लिक प्लेस होती है तो वहाँ छोटी मोटी बातें तो हो जाती है, मगर शहनशाह के दरबार में अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो मैं तो छोड़ो, ये जो दीवाने हैं ना, ये जो दीवाने हैं ना, ये भी नहीं छोड़ेंगे, मैं तो छोड़ो, मैं तो उंगली नहीं उठाऊंगा, ये पता नहीं क्या क्या उठा लेंगे, क्योंकि दीवान की इनमें भाई ये मैंने नहीं किए मोहब्बत, ये मोहब्बत है गरीब नवाज जो कि ये लोग मोहब्बत में आ रहा है, दुनिया के कोने कोने को छोड़ के आ रहा है। हजरत ने इतनी जानकारी दी, यहाँ पे कुछ और भी है, यहाँ पे क्या आपको लगा ये वीडियो देखने के बाद क्या समझ में आया? समझ में यही आया जो इन लोगों ने जो हरकतें की है तो ये सरासर बहुत गलत है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। गरीब नवाज की बारगाह में आपने मोहब्बत का पैगाम दिया है और किसी भी वली के दरबार में इस तरह की जो भी हरकतें करता है ये गलत है, कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। मसले पाक में बच्चा बच्चा नूर का, आप अहले नूर, आपका सब घराना नूर का। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ में और भी यहाँ पे चाचा हैं, यहाँ पे भाईजान हैं, इनसे पूछते हैं जी, ये जो आपने देखा ये लड़ाई हुई, ये झगड़ा हुआ, क्या कहना चाहते हो आप? एक ये लड़ाई होने कोई जरूरी नहीं था, ये ख्वाजा करीम नवाज की दरबार है, एकता मोहब्बत से ही चलना चाहिए, ये मेरे हिंदुस्तान की शान है ख्वाजा करीम नवाज की, इसमें हर लोगों को एकता ही रहना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसी कोई भी जो जारी ने ख्वाजा आता है उसको ऐसी हरकतें नहीं करना चाहिए दरबार में, और जो नारे के लिए जैसे किसी का घर है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, आपका घर है, आपके घर पे मैं आकर के कुछ भी गलत सलत बोलूंगा आप भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो इसीलिए ये हो जाता है। तो मतलब ऐसी हरकतें ना करें किसी के, मतलब कहीं पे भी जा करके, खास करके हुजूर की बारगाह है, इतनी बड़ी बारगाह में ऐसी हरकतें ना करें जिससे खुराफात फैले, मतलब हम सब एक है, हिंदुस्तान के एक है, ना कोई नवाज हिंदुस्तान, मतलब ना कोई बरेली, ना कोई चिश्ती, ना कोई देवबंदी, ना कोई वहाबी, हम सब एक है, हम उम्मत मुसलमान है और हमारा दीन इस्लाम है, माशाल्लाह है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। दीवाने बेशक, तमें क्या छो? गुजरात, गुजरात गुजरात से आते हो,
दिल तो दुखा होगा ये मंजर देख करके थोड़ा बहुत कि यार गलत हुआ। ये नहीं यार, ये वहाँ पे ऐसे हरकत भी नहीं, ये लोग हम लोग की हरकत तो देखकर अपनी कौम पर कीचड़ उछाल। हाँ तुम कहाँ से हो? मैं कोलकाता से हूँ। कोलकाता, गुजरात और कलकत्ता। तो नागपुर, तुम क्या कहना चाहते हो नागपुर वाले? हम उनके लिए वहाँ के लिए मोहब्बत, ठीक है, मोहब्बत सबके लिए, नफरत किसी के लिए नहीं। भाई हुजूर गरीबनाथ का पैगाम यही था, मोहब्बत सबके लिए, नफरत किसी के नहीं। और यहाँ जो भी आ रहा है सरकार का दीवाना है, चाहत वाला आ रहा है। और सबसे मेन चीज है उम्मत रसूल से जो मोहब्बत रखता है वो खींचे चला रहे। जी बताइए। सुना बेटा, सरकार वाला ने यही जो किसी भली से मोहब्बत नहीं करेगा, जो बैर रखेगा जो के रसूल होगा, वो मेरा नहीं है, किसी का नहीं है, अल्लाह किसी का नहीं है, किसी का नहीं है, अल्लाह पूछ। मतलब ये कि कुछ लोग हैं बरेली और आला हज़रत का नाम लेकर के यहाँ पर आते हैं, खुरापात करते हैं और बरेली को बदनाम करते हैं। और बेटा इसीलिए देखो मेरा बच्चा यहाँ मेरे पास जितना भी आ रहे हैं जी जी, वो गरीबनाथ के जाने वाला है। जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ बरेली भी नहीं, यहाँ दुनिया आलम का आदमी आ रहा है। जी जी, और दुनिया आलम बस सिर्फ इसीलिए आ रहा है कि गरीबनाथ की बारगाह में हम जाएंगे, नए पे रसूल के दरबार में हम जाएंगे, आता है रसूल के दरबार में तो हमारी झोली भर के मिलेगी। क्योंकि सबसे मेन चीज ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक की गरीब आदमी की हैसियत नहीं होती है। वो यहाँ आता है छोटे मदीने में, छोटे मदीने में यहाँ आता है, वो इसलिए इरादे रोज बनते हैं, मैं भूल जाते हैं, फिर वही आते हैं। चीज़ है कि हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में सब लोग आ रहे हैं, हमारे लिए मेहमान ने खाजा सब हमारी चाहत है। क्योंकि सबसे मेन चीज़ जिस घर में मेहमान आता उस घर में अल्लाह की रहमत आती है। और ये दरबार तो वो दरबार है, यहाँ तो सखावत ही सखावत है, यहाँ तो कोई मगर जो हरकत कर रहा है वो अच्छी नहीं कर रहा। अगर मैं एक छोटी सी मिसाल तेरे को दे दूँ, अगर मैं बरेली में आके चादर पोशी करूँ तो वो लोग बर्दाश्त कर लेंगे, क्योंकि वहाँ उनके उसमें नहीं कवाली में करूँ जो कि सुन्नत रसूल चिश्तियों की गिदा है, कवाली जो है ना चिश्तियों की गिदा। तो अगर वो लोग वहाँ पे मैं कवाली करूँ तो कहेंगे मेन चीज़ें बेटा देखिए हर शहर बशर की गिदा है। जी जी बिल्कुल, कोई पराठे से खाता है, कोई रोटी से खाता है, कोई डबल रोटी से खाता है, तो सब अपने अपने हिसाब से खाते बेटा। और दुनिया है आलम देख बेटा दरबार नायब रसूल का। जी बिल्कुल बिल्कुल, और यहाँ आप अगर ऐसा होता ना तो आप नहीं आते, आप बरेली से थे ना, आप कहते नहीं साहब ये तो आला हज़रत वाला हूँ मैं, नहीं हूँ और मैं आला हज़रत वाला नहीं हूँ। वो कोई ऐसा है जो कि मतलब पॉइंट को पकड़ के वो इन चीज़ों को कर रहा है। जी जी बिल्कुल, तो मेरा बच्चा हमारे लिए तो जितने भी आ रहा है सभी हमारे लिए चाहते हैं। आपको बता दूं कुल मिला के मैसेज ये हजरत जो आपको दे रहे हैं ना, मैसेज देने का मकसद ये है कि आप जब ट्रेन लेके आए उन्होंने ये देखा कि या तो फरिश्ता तो मैं पाऊँ कैसे रखूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हजरत, हजरत बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप बरेली वाले होकर के भी इतना अच्छा मैसेज दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि मैंने यही कहा, क्योंकि मैं हर जगह की वीडियो बनाता हूँ, हर दरबार की वीडियो बनाता हूँ, मैंने आला हजरत दरबार का भी वीडियो बनाया जो करोड़ों में गया है। मैं यही कहना चाहूँगा जो खुराफाती करते हैं वो आला हजरत वाले नहीं है, बेवजह बरेली का नाम खराब करते हैं। और आप बरेली वाले अच्छे हैं मेरे को पता है, बात बात तो यही है। खादिम हजरात जो है ना ये मोहब्बत सबसे करते हैं, चाहे गुजराती हो, चाहे बंगाली हो, चाहे मराठी हो, ये सबसे मोहब्बत करते हैं, चाहे बरेली हो सबसे। पर कुछ लोगों की वजह से नाम खराब होता है, तो क्या कहना चाहोगे उनके लिए आप? ये कहना चाहेंगे कि आप लोग यहाँ पे ऐसा ना करें, आगे से आइंदा ऐसा ना करें, आगे से आइंदा ना करें, ठीक है? और बरेली का नाम लेकर खास करके ना करें, ठीक है? देख सकते हो मैं लंगर खाना गली पे पहुंच चुका हूं, मैं दरबारे गरीब नवाज में जा रहा था यहां के खादिम हजरात से जानकारी लेने कि भाई जो मामला हुआ था वो क्या मामला हुआ था। तो यहां पे कुछ मेहमान है जारीन ख्वाजा जो आए हुए, इनसे थोड़ी जानकारी करें। तुम कहां से हो? हैदराबाद से हो। जो ये मामला हुआ क्या देखते हो, क्या लगता है ये मामला? ये गलत है, जो लोग नारा लगा रहे हैं ना बरेली के नाम का वो गलत है। जी आला हजरत के मुरीद ही ना होते वो लोग जो नारा गलत नारा लगा रहे, जो अमन शांति को खराब करना चाह रहे, जो गरीब नवाज के नारा लगाना है वो गरीब नवाज का ही लगाना है। भाई मेरी बात सुनो आप, हर जगह का एक शहनशाह है, ये शहनशाह हिंदुस्तान है, तो शहनशाह हिंदुस्तान का उनका ही नारा लगने का है।
जैसा कोई गुजरात के मीरा अली दादा है उनका नारा वहाँ लगता है, बारगाह में गुलाब के नारे भी नहीं लगते हैं। ठीक है जी, आप क्या कहना चाहते हैं? बादशाहों के दरबार में सिर्फ बादशाहों के ही नारे लगेंगे। ये सरकार आलम ताजदार मदीना का लगाया हुआ बाग है, यहाँ पर मौला हुसैन मौला अली का नारा लगता है और अली का नारा ही लगता रहेगा। बेशक पंजतन पाक का सदका यही बढ़ रहा है, हम पंजतन पाक का खाने वाले लोग हम उन्हीं का नारा लगाएंगे, गुलामों के नारे यहाँ नहीं लगेंगे। ठीक है, तो मतलब ये कि आला हजरत ने खुद नहीं फरमाया था कि ऐसा कुछ करना चाहिए? आला हजरत ने खुद फरमाया है कि जो गरीब नवाज से मोहब्बत करने वाला है वो मेरे से जो गरीब नवाज से मोहब्बत नहीं करेंगे तो मेरे उसमें से हश्र नहीं होगा। हाँ हाँ, मेरा मुरीद भी नहीं होगा वो। मतलब गरीब नवाज से जो मोहब्बत करेगा वो मेरा मोहब्बत ही, जो गरीब नवाज से मोहब्बत नहीं करेगा वो मेरा नहीं। ठीक है माशाल्लाह। तुम कहाँ से हो? पाली वाले हो? क्या वीडियो देखा, क्या लगा, समझ में आया कुछ? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। या नबी सलाम अलैका पढ़ने का आपको क्या हो क्या रहा है? या नबी सलाम अलैका पढ़ने में आपको हो क्या रहा है? पढ़ सकते हो? या नबी सलाम अलैका, आप लोग आगे हो ना, आप लोग आगे बच्चो, आगे बच्चो, दो सलाम सरकार के ऊपर। ओ भाई क्या गुलामों पे नहीं है क्या? मौला अली आप भतीजे हो के, मैं कभी सरकार के बराबर नहीं कि आपने मेरा गुलाम कहा। सरकार ने हर जगह फरमाया कि अली का गोश्त मेरा गोश्त। सरकार ने फरमा दिया क्या? जब सरकार खुद मन खुद तो मौला अली मौला अली ने कभी नहीं कहा कि मैं बराबर हूँ। वो गुलाम हो के उनकी बराबरी करेंगे, ये गलत है। गलत है ना? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे भाई अपने तो यही कहना है, जब आपको बोला गया था कि यहाँ पे इतने 15 दिन पहले सब कुछ समझा दिया गया था कि यहाँ पर आके आप ऐसी हरकत ना करें, इन्होंने जान करके वही करी, फिर गुस्साया और दूसरी बात खादिमों को बदनाम करने में लग रहे थे। यहाँ के खुदामों ने आपको अच्छी तरीके से समझाया कि भाई आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको आपने अपनी वही अपने कर दिखाई। चलो भाई चलते रहो, चलते रहो, आप लोग भी आ ले। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नहीं है वकील, खादिम नहीं है वकील है। सही बात है माशाल्लाह। चलिए I'm
कि अक्सर न्यूज़ पहुंचाता रहता हूं, वीडियो पहुंचाता रहता हूं। हमें हमारे खादिम क्या बोलते कवाल साहब ने बताया कि दरबारे गरीब नवाज की बारगाह का एहतराम करना चाहिए, ना जानबूझ करके किसी को उकसाना नहीं चाहिए, ऐसे नारे नहीं लगाना चाहिए जो नारे दरबारे गरीब नवाज में मना है। तो कुछ लोग होते हैं नहीं, हम तो यहाँ पे आए हो तो यहाँ की तारीफ करो, यह गरीब नवाज की तारीफ होनी चाहिए, सबको मिलता है। खाजगान की कुतुब साहब, गरीब नवाज, महबूब पाक, निजामुद्दीन औलिया, साबिर पाक की, यहाँ इनके ही नारे और इनकी ही तारीफ होनी चाहिए। यहाँ किसी कव्वाल की या किसी पीर की या किसी आलिम की तारीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिसको भी मिला है, अगर वली भी बनता है तो यहीं से बनता है, कव्वाल भी बनना है या बिजनेसमैन भी बनता है या आलिम भी बनता है, तो इन बार इनकी एक नज़र से वो आलिम भी बनता है, कव्वाल भी बनता है, तो यहाँ झुक के आना चाहिए। जब हमारे बड़ों ने कह दिया कि हमें ऐसे जाना है तो हम ऐसे ही झुक के रहना चाहिए, और हमें सरकार की तारीफ करनी चाहिए बस, बाकी सबकी मर्जी है, क्योंकि जो यहाँ से तो गरीब नवाज का दरबार है, यहीं से नवाजा जाता है, सबको नवाजा जाता है बेशक। यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। कहाँ से हैं आप लोग? ये छत्तीसगढ़ दूर। छत्तीसगढ़ से हो? क्या मतलब ये सब हो रहा है यार, जोशी का मामला क्या लगता है, क्या समझ में क्या आता है? जी देखिए, ये अदब का मकाम है, यहाँ सबकी इज्जत होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग भड़काते हैं दोनों तरफ से, ऐसा होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी जगह अदब का मकाम है, सबकी इज्जत होना चाहिए। लड़ाई झगड़ा इतने बड़े अदब के मकाम में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, चाहे ये हो चाहे वो हो। अब दोनों को समझना चाहिए, दोनों को समझना चाहिए, और जहाँ पे जो चीज़ के लिए मना किया गया उस चीज़ को भी फॉलो करना चाहिए। जी ऐसा है, जिस चीज़ से लड़ाई होने का अंदेशा हो उस चीज़ को ना करे तो बेहतर है, क्योंकि ये भी हमारे भाई है, वो भी हमारे भाई है, दोनों सब भाई छे, दोनों भाई, और ये अदब का मकाम है। या इस तरह की बेअदबी का माहौल नहीं बनना चाहिए। सही बात है, ये छत्तीसगढ़ वालों की राय थी। यहाँ पे और कुछ लोग हैं, कहाँ से हैं आप लोग? आप कहाँ से? आप छत्तीसगढ़ से? आप कहाँ से हो? कोलकाता वाले, क्या कहना चाहते हो आप इस मामले में? क्या चाहते हैं सब? खाजा का दरगाह है, दरबार है, सब अच्छे से दरगाह में सही से पेश है, तमीज तहजीब से, मतलब जानबूझ के उसकाने वाला काम नहीं करना चाहिए। वालेकुम सलाम, ये हमारे भाई सब्सक्राइबर, ये क्या कहना चाहते हैं, देखते हैं क्या कहना चाहते हो। ये मामला गर्म हो रहा है आजकल बहुत ज्यादा, क्या कहना चाहोगे, क्या राय है आपकी, अपनी खुद की ओपिनियन? ऐसा किस चीज़ में जो थोड़ा सा मामला चल रहा है गर्म, अभी पता है ना? अब ये भाई दरगाह कमेटी का फैसला है, जो दरगाह कमेटी फैसला लेगी उस हिसाब से काम होगा। बाहरी आदमी का कोई इंटरफेयर तो इसमें होना नहीं चाहिए। तो भाई की भी यही राय, कहाँ से हो आप? मैं यूपी से, अमेठी जिले से। ये भी यूपी से हैं, और सबके माँ क्या कहना चाहते हो? बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे कहने का मतलब यही है कि हमारा अकीदा एक है, हम सुन्नत जमात से हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बहुत बड़ा फजल एहसान है जी, और हमें एक मसलक पे रह कर हमें मजबूती एकता दिखानी चाहिए। सही बात है, क्योंकि आज हम बढ़ रहे हैं कोई आला हजरत पे, कोई चिश्ती पे, कोई रजवी पे, और कोई नक्सबंदी पे, बरेली पे, ये हमें नहीं करके, चूँकि वक्त हालात मौसम को देख करके हमें एक हो जाने चाहिए, एकजुट हो करके
चाहे बरेली वाले रहे चाहे अशरफी, मैं अशरफी हूँ। अच्छा, क्या बात है। फखरुद्दीन अशरफ से हुजूर से मैं मुरीद हूँ माशाल्लाह। अशरफी भी जाकर के गौसे आजम पे मिलेंगे, रजवी भी जाकर गौसे पाक पर मिलेंगे, चिश्ती भी जाकर गौसे पाक पर मिलेंगे। जो जितने दूर चला जाए, जितने दूर हाथ मार ले, वो कहीं भी चला जाए, वो गौसे आजम सैयदना गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह पे जाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि सारे मसलक को मिलकर हमें जोड़ करके और एक ता होकर के दिखाने चाहिए, क्योंकि मुल्क का हालात भी ऐसा। आप बरेली वाले अलग रहेंगे, चिश्ती अलग रहेंगे, अशरफी अलग रहेंगे। कुछ दिन पहले अशरफी और बरेली को भी दूर किया गया, अल्हम्दुलिल्लाह अशरफी बरेली एक साथ हो गए। इंशाल्लाह कुछ दिन में हम लोग सब साथ ही है, ऐसे इख्तलाफ हमारे कुछ इस चीज़ पर नहीं है। मेरा कहने का मतलब लास्ट में मेरा ये ख़त्म करूँगा बोलने से पहले कि भाई मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि हम सब मुसलमान हैं, उम्मत मुसलमान है और हमारा दीन इस्लाम है, तो हम सब एक हैं। ना कोई शिया, ना कोई सुन्नी, ना कोई वाबी, ना कोई दोबंदी, ना कोई राबजी, हम सब एक हैं, मुसलमान हैं। बस दूसरों के नज़र में मुसलमान है तो मुसलमान ही रहना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। और बाकी लोग भी इत्तेफाक रखते हैं तो अच्छी बात है। हुजूर के बताए हुए तरीके पर चलना ज़िंदगी कामयाब है। जिसने नबी के बाद पे चला अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी कामयाब हो गई। क्योंकि सर कहने में अल्लाह के अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाता ना कि अल्लाह के वली मेरे दोस्त हैं। जिसने वली से बगावत किया ऐलान जंग का ऐलान, नफरत ना फैले, नफरत आप आ रहे अल्लाह के आला हजरत के बारगाह पे जा रहे, उनके हमद बयान कर रहे, हाथ नहीं उठाना ना, ये गलत है। कल जिस तरीके से पट्टे से मारा गया, खुदामे ख्वाजा में हाथ नहीं उठाना चाहिए। इनकी भी राय है, इनकी भी अपनी ओपिनियन है जी, क्या कहना चाहिए। हमारा खुदामे ख्वाजा में हाथ नहीं उठाना चाहिए। असल में क्या हुआ कि उन्होंने किसी मतलब कहते हैं ना, कुछ लोग उन्होंने आके उसकाया और खुदामे ख्वाजा ने मतलब हो सकता है झड़प हुई आपस में, नहीं उनको मना किए ये चीज ना करो, फिर उन्होंने हाथ उठाया खुदामे ख्वाजा पे, खुदामे ख्वाजा पे। इसके बाद ही ये झगड़ा पड़ा हुआ, मतलब देख सकते हो ये कहने के बाद ही उनको मना करा गया, वो खुदामे ख्वाजा भी साइड कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो जानबूझ के उसका काम था। तुमने मैं देखा ही बोलूंगा, जो दरगाह कमेटी ने उर्स कमेटी ने जो भी रूल्स और रेगुलेशन बनाए उसको फॉलो करना हम सबका काम, जो हक है उसे भी फॉलो करना। हाँ, जो हक है उसे भी फॉलो करना। ये मुंबई वालों की आवाज़ है, नहीं मुंबई वाले मैं कलकत्ते से, ये कलकत्ता, ये मुंबई, और मैं तो इंदौर वाले क्या कहना चाहते हैं। इंदौर वाले ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम सब गरीब नवाज मेहमान नहीं करना चाहिए, ये पूरी दुनिया भर में पैगाम बहुत गलत जाता है। इससे कहना चाहते हैं ये कि हो सकता है कि जैसे कि हम सब हैं, अब इसमें कोई कलकत्ता है, कोई बम्बई है, कोई इंदौर का है, कोई झारखंड का है, नारा किसी एक ने लगाया बेवजह फिजूल में, गेहूँ के साथ गुण पीसने वाला काम वाला हो गया था, कल परसों के दिन हुआ था, गेहूं के साथ घुन का काम हो गया था, तो वो काम नहीं होना चाहिए। और अपन को ध्यान रखना चाहिए कि जो बंदा ऐसी हरकतें करता है उस बंदे को सामने लगे खड़ा कर देना चाहिए कि इसने करा। तो मिलते हैं शर्मा भाई किसी और वीडियो के साथ, तो अल्लाह हाफिज़।